साक्षात न्यूज लाइव टीवी इस वक्त हम खड़े हैं परशुराम मार्ग पर, जहाँ पर कल परशुराम जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। आज आप देख रहे हैं कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर लाइटिंग व्यवस्था की गई है। कल यहाँ पर जो जयंती मनाई जाएगी इसके उपलक्ष्य में यहाँ सुबह यहाँ पर पूजन होगी, इसके बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कितने मनमोहक तरीके से लाइटिंग यहाँ पर की गई है, आप देख रहे हैं। हमारे पीछे परशुराम जी का ये चौराहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे, कल यहाँ पर मनाया किस तरह से। यहाँ श्री परशुराम, भगवान श्री परशुराम जी का जन्मदिन का उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ पर सुबह 8:30 बजे से रैली निकाली जाएगी, जिसमें पूरी शोभा यात्रा पूरे गुना में जाती हुई होती हुई एक नियत स्थान पर जमा होगी, जहाँ पर प्रसादी का वितरण भी किया जाएगा। और भगवान परशुराम जी का प्राकट्य उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। और कल ये हमारा परशुराम चौराहा है, जिसको बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है हम लोगों द्वारा, और शानदार सजावट के साथ में आप देख सकते हैं पूरे गुना में ये कल रैली निकाली जाएगी। आज यहाँ पर बहुत शानदार रैली निकाली गई, जिसका कवरेज भी आपके द्वारा दिया गया था, और वाहन रैली में हजारों हजार वाहन आज निकाले गए थे, जिसका कवरेज आपके द्वारा बहुत शानदार दिया गया था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जो रैली निकाली जाएगी, हमें उम्मीद है, आशा है कि आप उस रैली का भी बहुत अच्छा, उस शोभा यात्रा का भी बहुत अच्छा सा कवरेज देंगे। धन्यवाद। ये देखिए हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछते हैं युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं परशुराम जयंती के अवसर पर। मैं भगवान परशुराम जी के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो युवाओं को, आज जो उनके द्वारा विशाल रैली निकाली गई उसमें जो उन्होंने समाज के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और जो अनुशासन दिखाया है, वो मेरा ख्याल है कि गुना ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष के अंदर ऐसा अनुशासन किसी इतनी विशाल रैली के अंदर नहीं निकाला गया। क्योंकि ये संस्कारी बच्चे थे, एक संस्कारवान समाज के बच्चे थे, जिन्होंने कि अपना अनुशासन जो आज दिखाया है, इसकी सराहना सब जगह की जा रही है। मैं उन सब बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। सुबह 8:30 बजे परशुराम चौराहे पर भगवान श्री परशुराम जी की पूजा अर्चन की जाएगी, उसके पश्चात गल्ला मंडी समिति से, हनुमान जी के मंदिर से एक विशाल शोभा यात्रा भगवान परशुराम जी की निकाली जाएगी, जिसमें गुना के ही नहीं वरन आसपास के लोगों का भी विशाल जनसमूह महिलाओं सहित यहाँ उभरेगा। उनको लोग आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ कल पधारें और आप सब लोग भगवान परशुराम जी के प्रकटोत्सव का आनंद प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए हमारी भारतीय कल्चर को हमारे युवा ही संभाल सकते हैं, और आज जो तरह से युवा सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति हमारा देश विश्वगुरु बनने में अक्सर होगा। आइए, मैं लोकेंद्र सिंह ठाकुर